श्रीलंका पाकिस्तान के बाद क्या मालदीव अब चीन का नया शिकार बनने वाला है? क्योंकि गाये बगाये मालदीव का चीन प्रेम दिखी जाता है, लेकिन ये प्रेम मालदीव को कंगाली की राह पर ले जाकर छोड़ेगा। मालदीव सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? समंदर, छुट्टियां, पिछले कुछ दिनों में इसके मायने बदल गए हैं। इन दिनों मालदीव आंखों का कांटा बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर बायकॉट की मुहिम चल रही है, बुकिंग्स कैंसिल हो रही है, मंत्री सस्पेंड हो रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे? इस विवाद में लक्षद्वीप का जिक्र कहां से आया? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाए चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। मामले की शुरुआत होती है 4 जनवरी 2024 को। अरब सागर में बसे लक्षद्वीप से कुछ तस्वीरें बाहर आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वो लिखते हैं, कुछ समय पहले मुझे लक्षद्वीप के लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं अभी भी उन द्वीपों की खूबसूरती और वहाँ के लोगों की गर्मजोशी से अभिभूत हूँ। जो भी एडवेंचर का शौक रखते हैं लक्षद्वीप उनकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। होने को तो ये प्रधानमंत्री के एक सामान्य दौरे की कहानी भर हो सकती थी, लेकिन इसने पड़ोस में बसे मालदीव में हलचल मचा दी। पीएम मोदी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहीं भी मालदीव का नाम नहीं लिया था, मगर वहां के कुछ लोगों ने इसे अपनी पहचान से जोड़ लिया। दरअसल 2020 से मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है। उस कैंपेन के लीडर मोहम्मद मुइजू नवंबर 2023 में राष्ट्रपति बन गए। तब से वो मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को निकालने पर अड़े हैं। समुद्र में रिसर्च से जुड़ा एक पुराना समझौता भी खत्म कर चुके हैं। हालांकि भारतीय पर्यटकों पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनसे होने वाली कमाई मालदीव की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देती है। इसलिए जब पीएम मोदी लक्षद्वीप गए, उन्हें लगा कि भारत सरकार मालदीव आने वाले भारतीय पर्यटकों को रोकने की कोशिश कर रही है। वहां फिर से एंटी इंडिया कैंपेन ने जोर पकड़ा। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स भारत के खिलाफ नस्ल भेदी पोस्ट लिखने लगे, भारत को असभ्य बताने लगे। मुइजू सरकार के 3 जूनियर मिनिस्टर्स ने भैती धारा में हाथ धोने की कोशिश की, विवादित टिप्पणियां की। इसके बाद तो मामला हाथ से निकल गया। भारत सरकार ने ऑफिशियल चैनल से अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद मालदीव सरकार ने तीनों मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। कहा, ये उनके निजी विचार है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। इस सफाई के बावजूद मामला शांत नहीं हुआ। मालदीव के विपक्षी नेताओं ने भारत सरकार का पक्ष लिया, अपनी सरकार को भारत से माफी मांगने के लिए कहा। इधर भारत से सेलिब्रिटीज ने लक्षद्वीप टूरिज्म का प्रचार शुरू कर दिया, साथ ही साथ वे मालदीव की आलोचना भी करने लगे। सबकी पोस्ट का मजमून लगभग एक जैसा है। दिलचस्प ये है कि उनमें से कई सेलिब्रिटीज का मालदीव आना जाना लगा रहता है। इन सब के अलावा भारत की ट्रैवल कंपनियां मालदीव की बुकिंग कैंसिल करने लगी। ये मालदीव के लिए दोहरा झटका हो सकता है। एक तो उन्हें एक भरोसेमंद साथी से हाथ धोने की आशंका है। जब जब मालदीव मुसीबत में फंसा है, भारत ने सबसे पहले मदद भेजी है, चाहे वो 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चलाकर तख्ता पलट रोकना हो, 2004 की सुनामी हो या 2014 का जल संकट, भारत सबसे आगे खड़ा था। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में सबसे ज्यादा पर्यटक भारत से आए थे, 2,09,198। दूसरे नंबर पर रूस था, चीन का एक समय तक पहले नंबर पर हुआ करता था। 2023 में उनके पर्यटकों की संख्या 1,88,000 के आसपास रही। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन से चलती है। भारत ने क्या योगदान दिया है? शिक्षा के क्षेत्र में साल 2012-13 से 170 से ज्यादा मालदीव के छात्रों को ICCR स्कॉलरशिप मिली। 650 से ज्यादा मालदीव के छात्रों को भारत के इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन प्रोग्राम से फायदा मिला है। मालदीव और भारत दोनों लंबे समय से सहयोगी रहे हैं। मालदीव ने भारत के कई संस्थानों के साथ MOU साइन किए हैं, जैसे भारत और मालदीव के इलेक्शन कमीशन के बीच, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मालदीव के बीच।
मालदीव पुलिस सर्विसेज और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के बीच ये तो हुई लक्षद्वीप पर मचे भारत बनाम मालदीव बवाल की कहानी, लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं है। इस झगड़े की बुनियाद 2013 में रख दी गई थी। 2013 में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम राष्ट्रपति बने। उनका झुकाव चीन की तरफ था। उनके कार्यकाल में भारत के साथ दूरियां बढ़ी। भारत ने मालदीव को 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स दिए थे। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारतीय सैनिक ट्रेनिंग और उनके मैनेजमेंट के लिए गए। 2015 में PPM के अंदर ऐसा माहौल बनाया गया कि भारत अपनी सेना मालदीव पर थोप रहा है। फिर विरोध शुरू हुआ। 2016 में गयूम ने भारत को हेलीकॉप्टर्स वापस लेने की अपील की। एग्रीमेंट की डेडलाइन बढ़ाने से भी मना कर दिया। हालांकि जब तक वैसा होता सरकार बदल चुकी थी। 2018 में मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी के इब्राहिम मोहम्मद सोली राष्ट्रपति बने। सोली को प्रो इंडिया माना जाता है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में PM मोदी खुद पहुंचे। प्रधानमंत्री बनते ही सोली ने हेलीकॉप्टर्स वाली डील की डेडलाइन आगे बढ़ा दी। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट एंटी इंडिया कैंपेन में बदलने लगा। आरोप ये भी लगा कि सोली सरकार संसद को बताए बिना भारत के साथ डिफेंस डील कर रही है, भारत को नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए जगह दे रही है। सोली इनकार करते रह गए, मगर ये भावना लोगों के मन में बैठ चुकी थी। उस दौर में इंडिया आउट कैंपेन को लीड करने वाले मोहम्मद मुइजू ही थे। इसको आधार बनाकर उन्होंने 2023 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और जीते भी। नवंबर में शपथ लेते ही मुइजू ने भारत सैनिकों की वापसी की मांग की। फिर पहले दौरे पर तुर्की चले गए। अमूनन मालदीव के राष्ट्रपति पहले विदेशी दौरे पर भारत आते हैं। नवंबर में ही दुबई में क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक हुई। वहां वो PM मोदी से मिले, लौटकर बोले भारत अपने सैनिकों को हटाने के लिए तैयार हो गया, जबकि भारत ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा है। अब नए बरस में लक्षद्वीप को लेकर शुरू हुआ हंगामा डिप्लोमेटिक वॉर में बदल गया है। चीन भारत को नीचा दिखाने और सामरिक रूप से घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। माना जा रहा है कि चीन समर्थक मुइजू को राष्ट्रपति बनवाकर चीन बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार के लिए दबाव बना सकेगा। यह सब भारत के रहते हुए संभव नहीं हो सकता। मालदीव में भारत के 70 से 75 सैनिक मौजूद है। यहाँ पर मौजूद सैनिक रडार और सर्विलांस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं। इस छोटी टुकड़ी के भरोसे भारत मालदीव पर कब्जा नहीं कर सकता। ये सैनिक टुकड़ी मालदीव के हित के लिए ही काम करती है। मुइजू खुद इस बात को जानते हैं। फिलहाल भारत की इकोनॉमी करीब $3.75 trillion की है, जबकि मालदीव की इकोनॉमी करीब $6.5 billion की है। मजेदार बात यह है कि हर साल भारतीय विदेश घूमने पर करीब $65 billion खर्च कर देते हैं। यानी मालदीव की जितनी GDP है उससे 10 गुना ज्यादा भारतीय हर साल विदेश घूमने पर खर्च कर देते हैं। इसलिए घबराना तो मालदीव को है, जो हर तरह से भारत पर निर्भर है। पिछले कुछ वर्षों में मालदीव ने चीन से भारी कर्ज लिया है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल मालदीव की GDP करीब $6.5 billion की है, जबकि मालदीव के बजट का करीब 10% हिस्सा चीन का कर्ज चुकाने में चला जाता है। चीन मालदीव में व्यापक स्तर पर निवेश कर रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचे, व्यापार और ऊर्जा क्षेत्रों पर उसकी पकड़ बढ़ गई है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें चीन और मालदीव मिलकर आइलैंड पर होटल बना रहे हैं। यानी भविष्य में अगर कर्ज समय पर नहीं वापस हुआ तो मालदीव के आइलैंड भी चीन के हाथों में जा सकते हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।